आज नवरात्रि का सातवां दिन है। नवरात्रि के नौ दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा के बारे में। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया, इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। आज नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, तीन नेत्र है, माँ के केश खुले हुए है और गले में मुंड की माला धारण करती है। ये गदर्भ यानी कि गद्धा की सवारी करती है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि और मंत्र प्रिय भोग के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया, इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का जाप करने से भक्त के सारे दुख दर्द पीड़ा माँ हर लेती है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि को गुड़ एवं हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आइए सभी भक्तगण मिलके माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें। धन्यवाद।